हेलो नमस्कार, वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ क्रिप्टो क्राइम्स। मैं संदीप कसालकर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेब थ्री की इस दुनिया में खास करके क्रिप्टो करेंसी में लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं, पर इसके साथ ही आए दिन नए नए स्कैम्स और क्राइम्स की घटनाएं भी दस्तक दे रही है। अब स्कैमर्स और हैकर्स की हिम्मत यहां तक बढ़ गई है कि अब ये हैकर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को टारगेट करके उनसे फिरौती की मांग कर रहे हैं, वो भी क्रिप्टो में। बिल्कुल ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें ऑप्टस कंपनी से $1 मिलियन की फिरौती की मांग की गई है, जो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड ओन्ड है। ऑप्टस को एक हैकर ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है, जो क्रिप्टो करेंसी मोनारो में $1 मिलियन की फिरौती की मांग कर रहा है। ऐसा न करने पर हैकर द्वारा इंटरनेट पर कस्टमर के डेटा को बेचने की धमकी भी दी जा रही है। एक नोटोरियस डेटा लीक फोरम पर एक पोस्ट में हैकर ने लगभग 11.2 मिलियन ऑप्टस ग्राहकों के रिकॉर्ड होने का दावा किया है, जिसमें उनके नाम, डेट्स ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस और ग्राहकों के सबसेट एड्रेसेस और आईडी डॉक्यूमेंट नंबर्स शामिल है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नंबर। पोस्ट में कहा गया है कि ऑप्टस, यदि आप ये पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें कि हमारे लिए डेटा सेल न करने की कीमत $1 मिलियन है। हम आपको डिसाइड करने के लिए एक सप्ताह का समय दे रहे हैं। इस कथित हैकर ने सैंपल के तौर पर सेल के लिए 200 रिकॉर्ड्स उपलब्ध है, ऐसे कहा है। हालांकि अटैक में पेमेंट डिटेल और अकाउंट पासवर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था। हैकर की धमकियों पर टिप्पणी करते हुए ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, AFP उन रिपोर्टों से अवगत है जिसमें आरोप लगाया गया है कि ऑप्टस ग्राहक डेटा चोरी हो गया है और डार्क वेब सहित कई फोरम्स के माध्यम से क्रेडेंशियल बेचे जा सकते हैं। AFP अब डार्क वेब और अदर टेक्नोलॉजीज की निगरानी के लिए स्पेशलिस्ट कैपेबिलिटी का उपयोग कर रहा है और साथ ही कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। प्रवक्ता ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई इस चोरी की गई क्रेडेंशियल्स को खरीदता है तो उसे अधिकतम 10 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं हैकर द्वारा सेल के लिए क्या रखा गया है। ऑप्टस में ब्रीच किए गए डेटा को हैकर द्वारा दो फाइलों में कैटेगराइज किया गया है, जैसे यूजर्स डेटा, उसमें 11.2 मिलियन रिकॉर्ड्स है। सेकंड, एड्रेसेस डेटा, उसमें 10 मिलियन रिकॉर्ड्स है। अगर ऑप्टस फिरौती नहीं पे करता है तो हैकर ने यूजर्स की डेटा फाइल की कीमत $150,000 और एड्रेसेस की डेटा फाइल की कीमत $200 रखी है। अगर साथ में देखा जाए तो इन टोटल फाइलों की कीमत $300,000 है। ऑप्टस के हैक होने के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कंपनियों पर साइबर हमलों के लिए बैंकों को तेजी से सतर्क रहने की अनुमति देने के लिए प्राइवेसी रूल्स को बदलने की योजना की घोषणा की है। साथ ही मिनिस्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्लेयर ओनिल ने पार्लियामेंट को बताया कि कानूनी और तकनीकी रूप से कॉम्प्लेक्स इशू को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अब साइबर डिफेंसेस को और मजबूत करना चाहता है और 2022 में फर्म और होम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक डिकेड में $1.66 बिलियन खर्च करने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वेब थ्री वर्ल्ड से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। डू वॉच 3.0 TV।